सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। आओ घर सजाएं में स्वागत है आपका। आज मैं आपको अपने चैनल में इस फ्रेम से बनाई हुई फ्लावर से तोरण बनाना सिखाऊंगी। देखिए, इससे तो आपको फ्लावर बनाना आता ही है, नहीं भी आता तो मैंने आप पिछली वीडियो में बनाना भी सिखाया है और मैं इसमें भी बनाना सिखा दूंगी। किस तरह से मैं यहाँ पे इसके फ्लावर से तोरण बनाऊंगी, उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे तीन कलर का बुनन लिया हुआ है, ये वाली मोती और इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड से काटा हुआ आप कोई भी पीस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कार्डबोर्ड का नहीं भी करना चाहते हैं तो आप बुनन का ही बना सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ, आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर फ्रेम के फ्लावर तैयार करे हुए हैं। रेड वाला 10 है और मिला येलो वाले भी मैंने 10 ही पीसेस बनाए हुए हैं। देखिए किस तरह से हम इनको जोड़ेंगे और किस तरह से हम तोरण बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, पहले तो मैं इस तरह से इसमें बुलन लपेटूंगी। मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिया हुआ है, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट से हम यहाँ से इसको लपेटना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से यहाँ तक रेड कलर से पूरा फिल किया हुआ है। यहाँ से मैं येलो कलर का वुलन लगाऊंगी। इतना मैंने रेड का लगाया है उतना ही हमें येलो का यहाँ पे लगाना है, फिर हमें पर्पल कलर लगाना है। इस तरह से हमें पूरा ये कवर करना है। मैं इसके कवर करने के बाद आपसे मिलती हूँ। इस तरह से मेरी पूरी स्टेप कम्प्लीट हो चुकी है और हम फ्लावर को जोड़ेंगे। फ्लावर को हम उल्टा करें इस तरह से, हमें इसको उल्टे वाले हिस्से में जोड़नी है। पहले हमें येलो, फिर मैंने यहाँ पे दो रेड लगाए हुए हैं, फिर एक येलो। ये वाला हिस्सा इधर से लेंगे और ये वाला इधर से, इसको हम इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये वाला हिस्सा जोड़ने के बाद अब हम ऐसे ही इधर का हिस्सा भी जोड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम नॉट लगा लेंगे। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद अभी हमारा ये बीच का हिस्सा, उसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये तीन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये वाले हिस्सा हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। इसको भी पहला हम इधर से ज्वाइंट करेंगे। ये वाला हिस्सा को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरा जॉइंट कर लिया है। यहाँ से पीछे से हमें इस तरह से रखना है और सीधी तरफ हमारा ये हिस्सा रहेगा। जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें एक एक यहाँ पे एक मोती लगा देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे चारों में मोती लगाना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम यहाँ मोती टच कर लेंगे। आपको सुई से टच करना था आप उससे भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसमें पूरा टच कर लेंगे। हमने जो स्टेप बनाई थी इसमें हम सारे इस तरह से फ्लावर को टच कर लेंगे, हमने जो जॉइंट किए हुए हैं। और यहाँ से हम इसको एक एक करके हम इसको थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर इनमें इस तरह से हम इसको टच कर लेंगे। जॉइंट करने के लिए स्टेप में जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको इस तरह से बांध लेंगे।
नॉट लगाएंगे। ये वाला हिस्सा कट कर देंगे, मोती डालेंगे इस तरह से, मोती डाल लिया। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे और यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। मैंने इस तरह के 5 पॉम्पम बनाए हुए हैं, पॉम्पम में हम इस तरह फोल्ड करेंगे, मोती डालेंगे, देखिए फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 मोती डाली हुए हैं। अब हम इसमें इसको टच कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड मेरा तोरण बनके कंप्लीट हो चुका है, ये कितना अच्छा लग रहा है। आपके पास बेस्ट चीज जो ऊन हो उसे आप फ्लावर बना के बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।